हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हि एम बैक विद अनदर वीडियो तो दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग सेमिस्टर सिक्स एम सी क्यू सीरीज विच वी आर स्टार्टिंग तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक सीरीज के एम सी क्यू इसको कंप्लीट कर लिया है अब हमने जी एस टी के एम सी क्यू इसको शुरू किया है जी एस टी के साथ आपको साइड बाय साइड कॉस्टिंग के भी एम सी मिलते रहेंगे ताकि हम हमारे अगले सब्जेक्ट्स में जा सके. तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो मैंने काफ़ी सारे एम आपके लिए प्रोवाइड करके रखे हैं जिससे हम काफ़ी सारे एम के साथ जो कंसेप्ट है चैप्टर के वो भी रिवाइज कर रहे हैं सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे तो शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से फ्रॉम द चैप्टर ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट अंडर विच सिस्टम टू सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड तो इनमें से कौन से सिस्टम में दो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन किए जाते हैं वन इज फर्स्ट ऑप्शन इज इंटीग्रेटेड सिस्टम सेकेंड इज नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम बोथ एंड बी एंड ऑफ नबाउ तो ध्यान रखना कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल वगैरह उसमें लेजर्स बनाए जाते हैं तो वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें दो सेपरेट बुक्स मेंटेन किए जाते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट अपना अलग बुक बनाएगा और फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपना अलग बुक बनाएगा अगर ये दोनों के दोनों जो है वो दोनों के दोनों अगर सेम बुक्स मेंटेन करते हैं तो उसे हम इंटीग्रेटेड सिस्टम के बेसिस पे जानते हैं सेकेंड इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द वैल्यू ऑफ वर्क डन बट नॉट येट सर्टिफाइड इज कॉल्ड एज तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में दो पार्ट्स होते हैं एक होता है आपका वर्क सर्टिफाइड और दूसरा होता है वर्क अनसर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड की अगर बात करें तो वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है वो वर्क जो आपके आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई कर दिया है बट यहाँ पे पूछा है कि द वैल्यू ऑफ वर्क डन बट नॉट येट सर्टिफाइड नॉट येट सर्टिफाइड का मतलब होगा वर्क अनसर्टिफाइड तो वर्क अनसर्टिफाइड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कैल्कुलेट करते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज से एक उसका फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है एंड दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो विच इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज पी वी आर तो पी का फॉर्मूला क्या है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इन टू हंड्रेड देखो सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलता है और कंट्रीब्यूशन को अगर हम सेल्स से डिवाइड करेंगे इंटू हंड्रेड करेंगे तो भी पी आता है सेकेंड पॉइंट में तो आपको बोला ही है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इन टू इज ऑल्सो पीवीआर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इन टू हंड्रेड इज ऑल्सो पी वी आर तो ऑल ऑफाउ इसका राइट right आंसर होगा वैसे तो आपको एग्जाम में ऑल ऑफ द अबाव द अबाउ ऐसे ऑप्शन नहीं पूछे जाते लेकिन हम इस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं ताकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाए और उसके बेसिस पे आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड फायदा हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एबनॉर्मल गेन इज डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट तो इनमें से एबनॉर्मल गेन जो है एबनॉर्मल गेन जो है दैट इज डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट तो एबनॉर्मल गेन कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाता है एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट प्रोसेस अकाउंट तो दो ऑप्शन में प्रोसेस है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एबनॉर्मल गेन जो है आपको याद रखना है एबनॉर्मल गेन कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाता है एबनॉर्मल गेन प्रोसेस अकाउंट में डेबिट किया जाता है सेकेंड भी प्रोसेस ही हो गया है लेकिन वो थोड़ा सा गलत हो गया है उसमें तो ध्यान रखना है प्रोसेस अकाउंट में डेबिट किया जाता है एबनॉर्मल गेन प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड आता है और एबनॉर्मल लॉस रहा तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है तो ये आपके सामने क्वेश्चन देखो इफ द इनपुट इज फोर्टी थाउजेंड यूनिट नॉर्मल लॉस है आपका थ्री थाउजेंड यूनिट एंड एक्चुअल आउटपुट है थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट देन इट रिजल्ट इन सिंपल चीज है आपका इनपुट कितना है फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड में से अगर हम नॉर्मल लॉस थ्री थाउजेंड माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा थर्टी सेवन थाउजेंड थर्टी सेवन थाउजेंड आपका एक्चुअल थर्टी सेवन थाउजेंड जो आपको आंसर मिला दैट इज योर एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर हम थर्टी सेवन थाउजेंड में से थर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस करेंगे थर्टी सेवन में से थर्टी सिक्स माइनस करेंगे तो वन थाउजेंड आंसर आएगा थर्टी सेवन माइनस थर्टी सिक्स वन थाउजेंड विल बी योर पॉजिटिव आंसर अगर पॉजिटिव आंसर है तो उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस उसेंड यूनिटलू आई पी सर्टिफाइड इज कॉल्ड एस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नोशनल प्रॉफिट अपरेंट प्रॉफिट बोथ बी एंड सी तो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू आई पी सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ द डब्ल्यू आई पी सर्टिफाइड उसको हम क्या कहते हैं उसको हम प्रॉफिट भी कहते हैं या नोशनल प्रॉफिट का एक दूसरा नाम है अपेरेंट प्रॉफिट तो ध्यान रखना यूजुअली हम नोशनल प्रॉफिट ही वर्ड यूज करते हैं लेकिन उसे हम अपेरेंट प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन द वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज वैल्यूड एट तो वैल्यू ऑफ जो वर्क अनसर्टिफाइड है उसे हम किस पे वैल्यू करते हैं मार्केट प्राइस कॉस्ट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस या कॉस्ट और मार्केट प्राइस एवर इज मोर तो उसको हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट के ऊपर काफी सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं द बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ट्रांसफर्ड टू दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड जो हमारा कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो लेजर बनता है उसका बैलेंस जो होता है वो आप कहाँ ट्रांसफर करते हो फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबाव तो वो हम ट्रांसफर करते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर में द बैलेंस ऑफ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू तो एबनॉर्मल लॉस में जो बैलेंस आता है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट एंड लॉस या कॉस्टिंग पी एंडल तो इसका भी आंसर है आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ही वो जो एबनॉर्मल लॉस का बैलेंस होता है वो ट्रांसफर होता है वेन कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज कम्प्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पी एंड एल ढूंढने का फॉर्मूला है तो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है नंबर वन अगर आपका जो लेवल ऑफ कंप्लीसन है वो अगर आपका पच्चीस परसेंट से कम है अगर आपका पच्चीस परसेंट से कम का आंसर आता है समझो ट्वेंटी फोर परसेंट तक आपको आंसर आता है तो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो रिजर्व में ट्रांसफर होगा अगर आपका सेकेंड रूल बोलता है कि 25 परसेंट से लेके 50 परसेंट तक मतलब 25 परसेंट से लेके 49 परसेंट तक रहेगा तो वन थर्ड का फार्मूला यूज़ होगा और अगर आपका लेवल ऑफ कंप्लीशन 50 परसेंट से ऊपर जाएगा तो टू थर्ड का फार्मूला यूज़ होगा अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 45 परसेंट दिया है तो हमारा रूल नंबर सेकेंड रूल नंबर सेकेंड क्या बताया मैंने आपको अगर 25 परसेंट से लेके 49 परसेंट तक आपका आंसर आता है तो ये 45 परसेंट इनके बीच में है तो आपका फॉर्मूला क्या यूज होगा वन थर्ड का फॉर्मूला यूज होगा तो राइट right आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड वन थर्ड ऑफ द प्रॉफिट नेक्स्ट पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एबीसी लिमिटेड इज रुपीज टेन पर यूनिट इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज फोर फोर रुपीज पर यूनिट देन इट्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विल बी तो देखो सेलिंग प्राइस जो है आपका सेलिंग प्राइस है दस रुपया अगर हम सेलिंग प्राइस टेन रुपीज लेंगे वेरिएबल कॉस्ट अगर फोर रुपीज उसमें से माइनस करेंगे टेन में से फोर अगर माइनस करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता है सिक्स ठीक है और फॉर्मूला क्या है पी का कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो सिक्स को अगर आप टेन से डिवाइड करोगे तो सिंपल आंसर बन जाएगा सिक्सटी परसेंट आपका पी वी आर इस क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व नॉर्मल लॉस इज विच टाइप ऑफ अकाउंट तो नॉर्मल लॉस कौन से टाइप का अकाउंट होता है पर्सनल रियल प्रोसेस तो नॉर्मल लॉस एक प्रोसेस जो हम प्रोसेस में अकाउंट प्रिपेयर करते हैं नॉर्मल लॉस तो नॉर्मल लॉस एक नॉमिनल अकाउंट होता है बिकॉज उसमें हम एक्सपेंसेस लिखते हैं इट इज अ नॉमिनल अकाउंट ठीक है थर्टीन क्वेश्चन द लेबर रेट स्टैंडर्ड इज डिसाइडेड बाई परचेज डिपार्टमेंट एच आर डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट या फिनेंस डिपार्टमेंट तो लेबर रेट का स्टैंडर्ड जो है वो एच आर डिपार्टमेंट डिसाइड करता है नेक्स्ट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लेबर रेट वेरियंस इज फेवरेबल वेन देखो हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग के वीडियोस मिल जाएंगे अगर आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो वो आप देख सकते हो और अगर आपको सब कुछ सिस्टमैटिक वे से पढ़ना है तो मैंने ऐप के ऊपर कोर्स बना के रखा है और एम के प्रैक्टिस के लिए एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है जस्ट नाइनटी नाइन रुपीज उसका प्राइस है लेकिन सारे के सारे अनिमिटेड कर सकते हो और आपका परफॉर्मेंस इवेल्यूएट कर सकते हैं अबाउट दी एप तो ऐप डाउनलोड कर ले और ऐप आप में आपको बहुत सारी चीजें फ्री में भी मिल जाएगी लेबर रेट वेरियंस इज फेवरेबल वेन तो लेबर रेट वेरियंस फेवरेबल है एक्चुअल रेट इज लोअर देन स्टैंडर्ड रेट जब भी आपका एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट से लोअर रहेगा तभी आपका लेबर रेट जिसको हम LRV कहते हैं वो फेवरेबल आएगा और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉस्ट लेजर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट वेजेस कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट या ऑल ऑफ दी अबाव तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल में क्या होता है सारे के सारे लेजर्स बनते हैं स्टोर्स लेजर भी प्रिपेयर किया जाता है वेजेस कंट्रोल अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाता है और फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाता है तो ऑल ऑफ दी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो दैट वॉज टूडेज क्वेश्चन वी हैव डिस्कस क्वेश्चन इन दिस सेशन इसी तरीके से ये जो सेशंस से है इसको आगे बढ़ाते रहेंगे आपके प्रैक्टिस एम सी क्यूज के बेसिस पे कंसेप्ट की भी होती रहेगी तो पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर ले और अगले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर